Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इंटरव्यू में कहा था कि वो डिलीवर कर रहे हैं और जो 100 रोजा कचरे की मुहिम है, सफाई मुहिम है, उसमें तमाम तर तरीके से काम किया जा रहा है, जितने भी महदूद इख्तियारात उनके पास हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन कल हमने देखा कि मैं अपने आप को मुजरिम तसव्वुर करता हूं और इसी वजह से मैं पाक जमीन पार्टी भी ज्वाइन कर रहा हूं। कई लोग ये भी कहते हैं कि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, इस वजह से वो पाक जमीन पार्टी में चले गए हैं और अब ड्राई क्लीनिंग का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। तो देखना ये है कि अब एमकेएम पाकिस्तान इसके ऊपर क्या स्टांस रखती है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने वफादारियों की तब्दीली के हवाले से भी बात की थी। और कल भी अगर हम बात करें हमारे आज स्पेशल के शो की, तो उसमें भी अली जैदी ने भी बात की, जबकि आसिया इसहाक साहिबा ने भी बात की, और सबका यही स्टांस है कि एमकेएम पाकिस्तान को अब कुछ हटकर सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में यानी 10 से 12 दिनों में बड़े बड़े नाम जो है वो पाक जमीन पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, कल की ये अहम खबर रही। और दूसरी बात ये कि इस हवाले से जितनी भी पेशकश हो रही है, पेशरफ्त हो रही है इस हवाले से, उसमें अगर देखा जाए तो ओवरऑल एमकेएम पाकिस्तान अब क्या करेगी, क्योंकि पाक ज़मीन पार्टी ने ठान लिया है कि अगले ज़मीनी तमाम इंतखाबात में वो हिस्सा लेने वाले हैं और उनके वोट बैंक भी उनके साथ होंगे। और साथ साथ बहुत ज्यादा कांग्रेट्स करेंगे पाकिस्तानी टीम को जिसने क्लीन स्वीप किया। और कल हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो आज न्यूज ने आपको लम्हा बलम्हा आगाह किया और एक एक मैच के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर और बाहर क्या हो रहा है। अंदर अकील खान थे और बाहर हमारे नुमाइंदे, हमारे साथी एंकर जो है वो मौजूद थे, अली आबिद, और हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। साथ साथ कल एक बहुत जबरदस्त काम भी आज न्यूज़ ने किया, वो ये किया कि शायकी ने क्रिकेट के जो जज्बात थे वो आवाम तक पहुंचाए और लाइव कॉल्स दी और लोगों को बताया कि आप क्या सोचते हैं और क्या आपके ख्यालात हैं। इसी हवाले से जो है वो हम आज गुफ्तगू भी करेंगे और जो हमारी मेन टॉप स्टोरीज है उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी हम नजर डालते हैं कि हमारे आज की टॉप स्टोरीज क्या है। लंदन में पाकिस्तानी सियासत, वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी पाकिस्तान से, नवाज शरीफ सऊदी अरब से लंदन पहुंचे, वज़ीर आला पंजाब पहले ही से मौजूद हैं। सियासी हालात, पनामा केसेस और नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गौर के लिए अहम बैठक होगी। हमारे पास जो भी इख्तियारात थे, जो भी वसाइल थे, हमने आवाम को डिलीवर नहीं किया, यही पार्टी छोड़ने की वजह है। मैंने कहा कि मेरे साथ लोग आना चाह रहे थे, लेकिन मैं क्योंकि नहीं चाह रहा था कि मेरी वजह से इस वक्त सब लोग आए। मुत्तहिदा पाकिस्तान की बड़ी पतंग कट गई, डिप्टी मेयर कराची साबिक सिटी नाजिम कराची के हो गए, एक एक करके सब पीएसपी में आएंगे। अरशद वोरा की गुफ्तगू, अनीस भाई अरशद वोरा पर केसेस खत्म करा दे, वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने पर परेशान थे, फारूक सत्तार की इल्तिजा। और सेल्फी की वबा ने हर किसी को अपनी लपेट में ले लिया, बच्चा हो या बड़ा हर शख्स सेल्फी के नशे में मुब्तला, दीगर मंशियात की तरह सेल्फी का नशा भी जानलेवा साबित होने लगा। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज के अखबारात की हेडलाइंस पर। चले जी, क्या बात है। अच्छा वैसे आज अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्विट्जरलैंड में बैठी हूँ, हर तरफ हवाएं चल रही हैं, कैसा फील हो रहा है ना, बड़ा जबरदस्त फील हो रहा है ऐसी मॉर्निंग में। खैर अच्छा, अभी जो हमारे पास मेन लीड है वो डेफिनेटली क्रिकेट मैच के हवाले से है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का बाकायदा आगाज, शाकिन खुश, श्रीलंकन टीम वाइट वॉश। कल अगर बात की जाए मैच के हवाले से, जिसके हवाले से ये मेन लीड लगी हुई है, तो इसके ऊपर अगर हम फोकस करें या इस मैच के ऊपर एक ओवरव्यू करें, तो कल हमने दहशतगर्दों के अजायम को नाकाम बना दिया। कल जो है वो पाकिस्तान ने बता दिया कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, हम कितने केपेबल हैं कि हम इस तरह के इंटरनेशनल मैचेस करा सकते हैं, टीम को बुला सकते हैं, और कितने जोश और जज्बे के साथ हम मेजबानी कर सकते हैं। कल की पॉजिटिव चीज ये थी कि तमाम लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ तो हम जरूर हैं, दुआ भी पाकिस्तान के साथ है कि वो क्लीन स्वीप करे, लेकिन साथ साथ हम श्रीलंकन टीम को भी अच्छा खेलने पर अप्रिशिएट जरूर करेंगे। तो जो मैच के हवाले से वो यहाँ पर लगाई गई है, और अगली जो मेन लीड है वो अनम बताएंगे। बिल्कुल जरा, मैच के हवाले से पहले तो जो सबा ने बात की है, कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज ये हुई, और वो इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि नवाज शरीफ ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी स्टेडियम के अंदर कल गो नवाज गो के नारे लग रहे थे। बड़ी ताज्जुब की बात है कि आवाम को शायद अभी तक ये इल्म नहीं हुआ कि नवाज शरीफ को नाहल करा दिया गया। एनी वे, मुल्क में खेलों की ये जो बहाली हुई है, इसका डेफिनेटली क्रेडिट हमारी पाक फौज को भी जाता है, क्योंकि उनकी मावनत के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। तो यहाँ पर जो अहम खबरें लगाई गई है उनमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे T20 पाकिस्तान के हवाले से ही,
पाकिस्तान सीरीज जीत गया है और श्रीलंका दिल जीत गया है। लेकिन जो आज की बड़ी खबर है वो ये है कि हमने पिछले दिनों देखा कि फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू की और हम तीनों अहवालों से वॉकआउट कर वहाँ पर इस्तीफे दे देंगे अपने, अगर अब हमारे जो भी लोग हैं उनकी वफादारियों को तब्दील कराया गया, हमारे रहनुमाओं की, हमारे लोगों की, हमारे जो इस वक्त टीम में शामिल लोग हैं उनकी नुमाइंदगी अगर चेंज कराई गई तो फिर डेफिनेटली हम लोग भी इस्तीफे दे देंगे। लेकिन कल एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि डिप्टी मेयर कराची अरशद बोहरा ने भी जो है PSP में शामिल होने की तस्दीक कर दी है और अब हम देख रहे हैं कि इस तमाम तर सूरत हाल के बाद फारूक सत्तार क्या करेंगे। फारूक सत्तार तो एक तरफ से ये भी कह रहे हैं कि जी आप उनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग में उनका नाम आ चुका है अगर उस नाम को निकाल देंगे, उनको उस चीज़ से, इन केसेस से फारिग कर देंगे तो डेफिनेटली बड़ी मदद हो सकती है उनकी। तो इस तरह की बातचीत का सिलसिला और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला तो चलेगा, लेकिन देखना यह है कि MQM इस सब पर आगे क्या करती है। क्या वाकई में जो इस्तीफों की बातें की गई थी वो इस्तीफे अब जमा कराए जाएंगे या फिर वो सिर्फ एक धमकी थी, ये वक्त ही बताएगा। अच्छा जनाब, ये तो खबर थी। अच्छा, मैच के हवाले से बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैच के हवाले से एक खबर भी शेयर करूं। एक मैच तो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान हो रहा था और दूसरा मैच जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान हो रहा था मोइन खान एकेडमी में। और बड़ी जबरदस्त बात है कि जी हमारे जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह ने 40 रन भी बनाए हैं। तो क्या क्रेज है, क्या हाई है क्रिकेट फीवर के एक मैच इंटरनेशनल और एक मैच जो है वो नेशनल लेवल पे हमारे पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान था। और अगर यहाँ पर बात करूँ इमरान खान के हवाले से तो कल वो भी बाउंसर्स मार रहे थे। मंडी बहाउद्दीन में जलसा हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि नवाज जरदारी, मीर जाफर, मीर सादिक, इनसे पूछें कि कितना टैक्स दिया। तो बिल्कुल जैसे कि कप्तान ने अपने तनकीद के वार किए और बड़ा ज़बरदस्त सा जलसा किया और जलसे पे जलसा कर रहे हैं, बाउंसर पे बाउंसर मार रहे हैं और जैसे ही इलेक्शन कमीशन से होकर आए तो लगता है बिल्कुल चार्ज हो गए और नई जो है वो पॉलिसी इख्तियार कर ली है। और एक और चीज़, MQM पाकिस्तान के रहनुमा है अली जैदी, फैसल वाउडा कल हमारे एक शो के ऊपर स्पेशल शो पर गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अली जैदी अच्छे आदमी हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि अगर कभी पार्टी चेंज करना चाहें तो हमसे ज़रूर रब्ता करें। तो ये खबर भी हम आपको आज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं। अच्छा, और दूसरी अगर खबर शामिल करें तो टेक्नोक्रेट हुकूमत की आयन में गुंजाइश नहीं, इदारे एक साइड पर हैं। बिल्कुल, कल हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने बात की, मीडिया से गुफ्तगू की और वही पनामा और अकामा का जिक्र किया और वही उन्होंने सवाल पूछे कि जी मुझे क्यों निकाला। साथ साथ उन्होंने कहा जी TV के ऊपर लगता है कि सिविल और अस्करी क़यादत एक नहीं है लेकिन हम बिल्कुल एक पेज पर हैं और टेक्नोक्रेट जो गवर्नमेंट है उसकी कोई गुंजाइश नहीं और नून लीग की जो ईंट है उसको कोई नहीं हिला सकता। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है कि 2018 से पहले जो इंतखाबात मुमकिन हो सकेंगे। तो ये तो जनाब तमाम सियासी खबरें हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर एक और जो खबर लगी हुई है वो भारतीय फौज के हवाले से है जिसने डेफिनेटली फिर एक दफ़ा से, मेरे ख्याल में अब 1200 से ज्यादा दफा ये हो चुका है, 1299 दफ़ा तो ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर ही चुके हैं लेकिन अब फिर एक दफ़ा से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है और भारत की जानिब से हर्जा सराई जारी है, न जाने कब ये सिलसिला रुकेगा। बिल्कुल जनाब, इसके अलावा अगर आज कुछ होने वाली एक्टिविटीज़ के हवाले से आपको बताएं तो बिल्कुल एहतसाब अदालत में आज इसहाक डार की पेशी भी होने जा रही है और साथ साथ यहाँ पर एक और खबर मेंशन है कि जो शहबाज शरीफ हैं और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी वो लंदन पहुँच चुके हैं। तो ये जनाब एक नई डेवलपमेंट। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो जद्दा से डायरेक्ट सऊदी अरब से लंदन जाएंगे और वहाँ पर फिर ये अहम बैठक लगेगी, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगी इस हवाले से आपको अपडेट रखेंगे। लेकिन फिलहाल बढ़ेंगे मुख्तलिफ शहरों की जानिब, लेकिन उससे भी पहले हम जाएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक से। विद अस इन कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। आज वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और जनाब अब मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे मेरे शहर का, लाहौर का, जहाँ पर हमारी नुमाइंदा हम बट लाइन पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज शहर में क्या सियासी और सामाजिक सरगर्मियाँ होने जा रही हैं, मौसम की सूरत हाल क्या है। जी हुमा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। और मौसम की सूरत हाल यकीनन जिस तरह इस्लामाबाद में है, जिस तरह बाकी जगहों पर है, लाहौर में भी वैसा ही है। धूप हल्की हल्की है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ का जो मौसम है वो मुझे फिलहाल तो स्टूडियो में भी दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं ब्रेक में सुन रही थी, बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनने को मुझे मिल रहे थे तो गुनगुना रहा था। किसी का मूड आज बहुत ही अच्छा है तो अच्छा ही रखे अल्लाह ताला सबका मूड और बेहतरीन गुजरे। और आज जो सियासी और सामाजिक सरगर्मियाँ हैं उसमें जिक्र करूँगी तो सबसे पहले आज दिन का आगाज़ जो है
वो डीजी हेल्थ ऑफिस से होगा जहाँ पर आज प्रोटेस्ट करने जा रहा है हेल्थ सपोर्ट स्टाफ, वो भी उनकी मुस्तकली और जो तकरीरी है वो अभी तक नहीं हुई है। 2012 से वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको उनकी जो परमानेंट उनको करना है वो कर दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो सका। समरी जो है वो अभी तक वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस में पहुँच चुकी हुई है लेकिन उसके ऊपर साइन नहीं किए हैं। इसके खिलाफ आज वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट होगा डीजी हेल्थ ऑफिस में और इंतज़ार किया जाएगा कि उनके जो मुतालबात हैं उनको मान लिया जाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे मरियम नवाज जो है वो पहले भी हम लोगों को NA-120 में दिखाई दिए हैं और वो वहाँ पर आकर और जितने भी उनके कारकुनान हैं उनसे मिलती हैं, मुलाकात करती हैं, तो आज भी उनकी इसी हवाले से एक एक्टिविटी होगी। आज वो जाएंगी NA-120 में एक बार फिर और वहाँ पर वो जितने भी उनके कारकुनान हैं और बल्दियाती नुमाइंदे जितने भी हैं उनसे वहाँ पर मुलाकात करेंगी कारकुनों से और जितने भी MPS वगैरह हैं वो भी वहाँ पर दिखाई देंगे। और अच्छा, जितने मसाइल हैं उसी मौसम के बारे में बात करते हैं। वैसे तो लाहौर का जो मौसम है वो मैच की वजह से काफी जोशीला है लेकिन हमने देखा कि कल ड्यू फैक्टर था, आज कैसा मौसम है? बिल्कुल, आज भी है ड्यू भी है, फोग भी है और साथ में स्मोक दिखाई दे रही है। स्मोक की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है मरीजों को, स्पेशली सांस के जो मरीज हैं और साथ में जिनको आंखों में जलन वगैरह ये सब चीजें जो है ये होना शुरू हो गई हैं। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मुझे भी फील हो रही है, लेकिन क्योंकि हम लोगों का बीपर जो है वो ज्यादा जरूरी है और आज मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजर गया क्योंकि आप लोगों के जो गाने थे वो सुने, मुझे फील हुआ कि जैसे अलका याग्निक और श्रेया घोषाल लाहौर से, और लाहौर में मौसम बड़ा खुशगवार है और सबसे मजे की बात यह कि वहाँ पर स्मॉग का यानी फॉग का जो मौसम है वो आना शुरू हो चुका है, लेकिन जो लोग बाइक पर जाते हैं उनके लिए बड़ा नुकसानदेह है क्योंकि उनके डायरेक्ट जो सांसों के अंदर ही जाती है, अस्थमा के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है फॉग से। बिल्कुल सही कह रही है। इस्लामाबाद का रुख करते हैं और इस्लामाबाद में क्या सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां होने जा रही है, कौन से मेगा इवेंट्स हो रहे हैं, इसकी तफसीलात जानेंगे हम आसिफ नवीद से। आसिफ नवीद, गुड मॉर्निंग, आज अपडेट कीजिए। जी गुड मॉर्निंग, आज सबसे अहम है वफाकी दारुलहुकूमत में, जो आपको पता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम जो है वो नैब रेफरेंसेस की कार्रवाइयाँ हैं जो इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा देर बहस आती हैं। आज भी सागदार रेफरेंस में उनकी केस की समझ हो रही है। एहतसाब अदालत में बाकायदा तौर पर समात का आगाज़ हो चुका है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर समात कर रहे हैं। इस्तगासा के गवाहान पहुँच चुके हैं, नैब प्रोसिक्यूटर पहुँच चुके हैं, सागदार के नुमाइंदे और वकील भी यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन सागदार खुद नहीं आए। गुज़श्ता समात पर भी उनको तंबीह की गई थी कि वो अदालत से गैरहाजिरी ना करें, उन्होंने से इस्तिस्ना तो मांगा था लेकिन अदालत ने उन्हें इस्तिस्ना दिया नहीं था। लेकिन आज फिर उनकी जानिब से इस्तिस्ना मांगा जाएगा और अगर अदालत चाहे तो इस्तिस्ना दे भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि गुज़श्ता समात पे हमने जब देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जब समात थी तो उन्होंने भी हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा तो अदालत ने फैसला महफूज करने के बाद उनको इस्तिस्ना नहीं दिया और उनके काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। तो इस बार भी जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि इसहाक डार के जो पिछली एक दफ़ा पहले भी काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी बयानात तो जो हैं वो कलमबंद हो चुके हैं, आज क्या पेशरफ्त होने जा रही है, नई डेवलपमेंट क्या होगी आज? देखिए आज देखिए सबसे पहले तो फर्दे जुर्म आयद हो चुके हैं। इस्तगासा के जो गवाहान हैं मजमूई तौर पर 28 गवाहान हैं जिसमें से तीन गवाहों की जो है गवाही उन शायद तीन की मुकम्मल हो चुकी है। दो को गुज़श्ता समात पर तलब किया था लेकिन उनके जुज़वी बयानात कलमबंद हुए थे। आज उनको एक बार फिर निजी बैंक के अफसरान ने उनको तलब किया। अब्दुलरहमान गोंदल उनमें से एक जो गवाह हैं वो उनके बैंक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड दो बोरियों में बंद करके यहाँ लाए हैं और उन पर आज वो अपने ये अपने दलाइल और शातें देंगे, बयानात कलमबंद करवाएंगे जिस पर असाकदार के वकील उन पर जो है जिरा करेंगे। दूसरी जानब सागदार की जानब से जो उनके नैब ने उनके असासे मुंजमद किए हैं उसकी रिपोर्ट जमा कराई जाएगी, उस रिपोर्ट पर आज सागदार के वकील जिरा करेंगे। ताम ये आज ठीक है, रिपोर्ट जमा कराई जाएगी, उस रिपोर्ट पर फिर जिरा की जाएगी। आसिफ नवीद शहर इक्तदार पेश कर रहे थे, देखना ही है कि अब समात में नई क्या पेशरफ्त होती है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं लंदन में पाकिस्तानी सियासत की। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान से जबकि नवाज शरीफ सऊदी अरब से लंदन पहुंच चुके हैं, जबकि वजीर आला पंजाब पहले ही वहां पर मौजूद हैं और सियासी हालात, पनामा केसेस और नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गौर के लिए अहम बैठक लगेगी। मीडिया से बातचीत करते हुए शहबाज शरीफ ने बताया कि वो अपनी भाभी कुलसुम नवाज की इयादत करने के लिए आए हैं और इयादत करके वापस पाकिस्तान जाएंगे, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि वो जाती हैसियत में अपने खर्चे पर नवाज शरीफ से मिलने लंदन आए हैं। और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ लाल हवेली से वीडियो लिंक पर मौजूद है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि लंदन में अहम बैठक होने जा रही है, आप क्या समझते हैं कि अगली समात पर नवाज शरीफ पेश होंगे या सिर्फ उनके दामाद और बेटी और फिर से वही लोग अदालत में जाएंगे? देखिए
अगर नहीं पेश होंगे तो बगैर जमानत के वारंट जारी होंगे, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय कुवैती कतरी खत के, और इसहाक डॉलर के पास कोई चीज नहीं है सिवाय एक दुबई के खत के। ये दो खतों के सहारे सारा मुल्क ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और मीडिया खेल रहे हैं। अगर पेश हो ना पेश हो, इनको अपने रेफरेंस के डिफेंस के लिए इनके पास कुछ नहीं है सवाए ये कि जिरा करेंगे शातों पे। अच्छा शेख साहब ये बताएगा, खुद कहा था कि साद रफीक, शाहिद खान अब्बासी और दीगर जो रहनुमा है वो जल्द ही एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, एक अलग से ग्रुप बना लिया जाएगा, ऐसा होता हुआ अभी तक तो कुछ नजर नहीं आया, क्या समझते हैं कब तक आपकी जो आपने कहा था वो हो सकेगा? मैंने ये नहीं कहा कि किस लीग में जा रहे हैं, ये मैंने कहा रहा है इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। पहले मैं कहता था 40 आदमी मुख्तलिफ सोच रखते हैं, खुद नवाज शरीफ और उसकी पार्टी महाजराई से बजाय लेट गई है और वो मफामत की पॉलिसी पे आ गई है। पहले मैं 40 कहता था, अब मैं 60 कहता हूँ, और अगर अच्छा। जिसको शक हो वो मेरे साथ आके अलहदगी में बात कर ले। 60 और आपकी पेशन गोई कब सही साबित होती है? अच्छा आपने ये भी कहा था कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ का वजीर खजाना मनी लॉन्ड्रिंग के ठप्पे वाला हो और जिस पर फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी हो और वो नेशनल सिक्योरिटी इजलास में बैठा है। मैं किसी वजीर खजाना को ऐसा नहीं मैंने सुना IMF वर्ल्ड बैंक की मीटिंग में किस मुंह से जा सकता है जब फर्द जुर्म लगी हो, और से भी कहा कि ऐसी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंगों में ऐसे लोग ना शामिल हों जिन पे फर्द जुर्म लग चुकी है। और ये तोहीन है इस कौम की कि हाईएस्ट प्रोफॉर्म का हाईएस्ट फॉरम का एक नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हो और उसमें फर्द जुर्म लगे हुए मुलजम बैठे हों, ये तोहीन है इस कौम की और इन अदारों की। है तो बड़े ताज्जुब की बात पर फिर भी ऐसा है। वेल शेख साहब ये जरूर जानना चाहेंगे हम कि इस वक्त अभी जो करंट केसेस चल रहे हैं उसमें शर्जील मेमन की गिरफ्तारी के बाद हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी काफी नाराज है और नैब की कारकर्दगी पर भी काफी सवालात उठा रही है, जबकि नए चेयरमैन नैब का इंतखाब तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की मर्जी से ही हुआ था, तो फिर क्या समझते हैं पीपल्स पार्टी को क्या शिकायत है? देखें मेरा ख्याल है कि अब्बासी एक असूली सा आदमी है, जस्टिस रहा जावेद इकबाल साहब जो है वो चेयरमैन नए नैब है और ये शहजाद डीजी नैब लाहौर को बदलवाना चाहते हैं, उसके खिलाफ लगे हुए हैं ये और इनका मिशन ही ये है। और पीपल्स पार्टी ये तो ठीक कहती है कि सिंध में नैब की और किरदार है और नैब की और उनकी कारकर्दगी है कंपैरेटिवली पंजाब, पंजाब में इन्होंने हल्का हाथ रखा हुआ है और अब ये पंजाब में चाहते हैं कि डीजी पंजाब जो है डीजी उसका पता नहीं क्या नाम है लाहौर का शहजाद के क्या नाम है उसको बदलवाएं ताकि ये और आसानियां पैदा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख रशाब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर वो गुफ्तगू कर रहे थे और नून लीग के हवाले से जो स्टांस है उनका यही है कि वो ये कहते हैं कि जी उनके जो 40 मेंबर्स हैं, 40 जो उनके रहनुमा हैं वो बिल्कुल उनको छोड़कर जाने वाले हैं और लेट्स सी कि इस तरह की पेशन गोइयां जो हैं वो कब सही साबित होती हैं और किस हद तक जो है ये हिकमत अमली जो भी है नून लीग की आगे क्या स्टांस होगा। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मैं डोंट। Anyway, stay with us. Keep watching. Good morning, Aaj. और इस सारी सूरतेहाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी माजिद भट्टी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छी सुबह है आज पाकिस्तान की। कल रात में मनाजिर देखे लाहौर में जी, तो एक अच्छी सुबह का आगाज हुआ आज पाकिस्तान। अच्छी सुबह का आगाज हुआ है। अच्छा, कल जोश भी था और जुनून भी था, जज्बा भी था और लाहौर जो है बिल्कुल सेलिब्रेशन का जो है वो मंजर पेश कर रहा था। पाकिस्तान जीत भी गया, क्लीन स्वीप किया, क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? हमारी टीम जो है वो कम बैक करने लगी, हम जश्न ज्यादा मनाने लगे। देखिए टीम को क्रेडिट जाता है, टीम बहुत अच्छा खेल रही है और इस जीत में अब जो एक नुमाया चीज नजर आ रही है, हमारे नौजवान प्लेयर्स का रोल हमें नजर आ रहा है कि अब पाकिस्तान टीम में मैच विनर जो है वो सीनियर खिलाड़ियों के साथ साथ जूनियर खिलाड़ी भी जी मैच विनर बनकर सामने आ रहे हैं और कोई इस टीम में अब नागुजीर नहीं है, ना मोहम्मद हफीज है, ना शोएब मलिक है, ना मोहम्मद आमिर है, क्योंकि अब जो नए स्टार है, उस्मान चिनवारी नया स्टार है, फखर जमान नए स्टार है, बाबर आजम नए स्टार है, शादाब खान नए स्टार है, तो नए खिलाड़ियों की वजह से अब ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं ये भी थोड़ा बैकफुट पे चले गए हैं कि जैसे ही उनकी कारकर्दगी में झोल आएगा वो टीम से ड्रॉप हो जाएंगे। लेकिन कल हमने जो समा देखा जहां कजाफी स्टेडियम लाहौर में, लग ऐसे रहा था कि ईद का सा समा है, लोग पूरी तैयारी से आए, नज़्म-ओ-ज़ब्त के साथ मैच देख रहे थे, तो ये मनाज़िर काफी हफ्ते बाद
वर्ल्ड 11 के मैचेस में भी इतना जोश-खरोश नहीं था जितना मैंने कल यहाँ देखा लाहौर में। बिल्कुल। अच्छा ये बताएगा माजिद भट्टी साहब कि कल हमने मैच तो देखा, बड़ा जबरदस्त हुआ, और ओवरऑल अगर आप वनडे की बात करें तो वनडे में भी पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और उसके बाद टेस्ट सीरीज में भी हमने देखा कि क्लीन स्वीप कर दिया है हमने श्रीलंकन टीम को। तो ओवरऑल अगर मैच पे एनालिसिस देना चाहें तो हमारी बैटिंग लाइन ज्यादा अच्छी रही है या बॉलिंग लाइन ज्यादा अच्छी रही है? देखिए बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, बैटिंग हमारी थोड़ी सी डाइसी रही है। एक मैच में जो दूसरा मैच था तो लगे से रहा था कि पाकिस्तान मैच हार जाएगा, वो शादाब खान अगर छक्का ना मारते तो पाकिस्तान शायद उस मैच में फंसा हुआ था। तो हमारी बैटिंग लाइन जो है उस पर हमें थोड़ी सी तशवीश है कि अगर आगे चल के हमने पाकिस्तान से बाहर बड़ी टीमों को हराना है तो हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं जिस तरह शुएब मलिक हैं, मोहम्मद हफीज हैं या कप्तान सरफराज हैं, इन्हें फ्रंट से लीड करना पड़ेगा, क्योंकि जूनियर्स को जब सीनियर्स की सपोर्ट मिलेगी तो फिर खड़ी होगी। लेकिन इस वक्त जो है टीम जो है वो लग ऐसा रहा है कि बहुत ज्यादा इसमें जज्बा है, बहुत ज्यादा इस बार तो शुएब मलिक भी बड़े फॉर्म में थे। हाँ। जी सॉरी आपकी आवाज कट गई। जी टीम में सही कह रहे हैं आप, बहुत ज्यादा जज्बा है, शुएब मलिक भी बहुत फॉर्म में थे, अदम कह रही है। जी 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 मेरे ख्याल में शुएब मलिक चूंकि सीनियर प्लेयर है और ना वो कपचस्ती रखते हैं और ना वो क्रिकेट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, तो क्रिकेट पे फोकस है। फिर सानिया मिर्जा भी पाकिस्तान आए, कल जब ये मेजर के बाद उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो सियालकोट में अपनी सास के पास है और हमारी बैटिंग लाइनअप पे काम कब होगा, ये कंसिस्टेंसी कब आएगी, कब हम भी ये कह सकेंगे कि नहीं हमारी बॉलिंग भी स्ट्रांग है और बैटिंग लाइनअप जो है वो भी हमारा तकरीबन मिडिल ऑर्डर तक संभाल लेगा तमाम स्कोर को? देखिए अभी रिसेंटली हमारे जो दो प्लेयर रिटायर हुए उसकी वजह से काफी हमें फर्क पड़ा है, लेकिन हमारी बैटिंग हमेशा से ऐसी ही रही है। अगर जब हमारे पास बहुत ज्यादा सुपरस्टार थे तो अचानक हमारी बैटिंग जो थी वो लड़खड़ा जाती थी, कभी धोखा दे जाती थी। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि हम इनकंसिस्टेंट टीम है, हम बड़ी सी बड़ी टीम को हरा देते हैं, छोटी सी छोटी टीम अनएक्सपेक्टेड टीम है, कभी भी कुछ भी कोई भी अपसेट कर सकते हैं, कभी भी बड़ी से बड़ी जीत को जो है किसी टीम के मुंह से हम छीन के ला सकते हैं। अच्छा अगर ओवरऑल बात की जाए शादाब खान के हवाले से, उस्मान छनवारी के हवाले से बात की जाए, आमिर को भी कल इन किया गया, अब कैसे देख रहे हैं इन तमाम नए जो जितने भी लड़के इनके साथ, अब टीम जब कम बैक करेगी जैलन होगी तो पाकिस्तानी टीम जो है उसको कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए पाकिस्तान टीम ने श्रीलंका की थोड़ी सी कमजोर टीम थी जी, इसको आउटक्लास कर दिया लिमिटेड ओवर सीरीज में, हालांकि टेस्ट सीरीज पाकिस्तान हार गया जी। लेकिन जो असल इन लड़कों का और पाकिस्तान टीम का जो इम्तिहान है ये जनवरी में जो न्यूजीलैंड की सीरीज है, और अगर अगले महीने या नवंबर वेस्ट इंडीज की टीम आ जाती है तो रियल टेस्ट इन लड़कों का वहाँ होगा। मेरे ख्याल में अच्छे लड़के हैं, इनको जितने मौके मिलेंगे ये लड़के पॉलिश होंगे और पाकिस्तान को इसी तरह जितवाते रहेंगे। अच्छा माजिद साहब आखिरी सवाल आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, सरफराज की टीम लीड को आप किस तरह से देखेंगे, कप्तानी में उनकी जिस तरह से टीम ने परफॉर्मेंस किया है कितना क्रेडिट देंगे? देखिए सरफराज को नो डाउट क्रेडिट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक बिल्कुल ऑफकोर्स, जिस तरह वो टीम को लीड कर रहे हैं तो वन ऑफ दी महल ग्रेटेस्ट कैप्टन में तो अभी तो नहीं हम शुमार कर सकते, लेकिन जिस तरह कल 14 में से 12वां T20 इंटरनेशनल सरफराज ने जीता है तो मेरे ख्याल में वो टीम को लेके चल रहे हैं और वो खुद इस वक्त अपनी जगह के लिए नहीं खेल रहे, लोग कह रहे हैं ऊपर आके खेले, वो कह रहे हैं मैं यंगस्टर्स को मौका देना चाहता हूँ, तो एक ऐसा कप्तान, ये बहुत अच्छी बात है सरफराज अहमद की जी, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब, हमसे गुफ्तगु कर रहे थे, सीनियर सहाफी हैं और बड़ी जबरदस्त गुफ्तगु की, और आज उन्होंने कहा कि बड़ा जबरदस्त सुबह का आगाज था क्योंकि पाकिस्तान की जीत थी और साथ साथ कल जश्न भी था लाहौर में। तो ओवरऑल सरफराज अहमद के हवाले से भी उन्होंने कहा कि टीम में जैलन कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि उनको वो टैलेंट को जो है ना वो आगे लेके आते हैं। जब भी आप देखेंगे सरफराज से बात की जाती है किसी भी जीत के बाद, किसी भी मैच के बाद, तो वो यही कहते हैं कि मैं क्रेडिट जो है पूरी टीम को देता हूँ। और ओवरऑल जो हमने पूरा मैच की सिचुएशन देखी है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के स्टेडियम है वो बहाल हो रहे हैं, पाकिस्तान में गेम जो भी अभी तक हो रहा है उसमें पाकिस्तान टीम फातिह भी करा पा रही है, तो मेरा ख्याल है होम ग्राउंड होने का भी बड़ा एज पाकिस्तानी टीम को मिल जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करेंगे हम मोबाइल फोन कैमराज के हवाले से। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मैं पिछले दिन देख रही थी सभा के, लोग सेल्फी के बड़े दीवाने हो चुके हैं आज के दौर में, लोग बहुत पसंद करते हैं सेल्फीज देना, इवन जहाँ पे भी छोटी मोटी ब्रेक आती है हम लोग भी यही काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये सेल्फी का क्रेज इस हद तक
लाख लोगों में बढ़ चुका है, ये ऐसी वबा बन चुकी है कि इससे लोगों की जानों को भी बड़ा खतरा हो रहा है। बच्चा हो या बड़ा, हर शख्स जो है वो सेल्फी के नशे में इस वक्त इतना मुबतला नजर आ रहा है कि दीगर मंशियात को हम देखते हैं, उसी तरह ये भी एक ऐसा लग रहा है कि कोई मंशियात बन चुकी है। भाई हाल ही में फैसलाबाद का नौजवान सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था कि ट्रेन की जद में आकर अपने दोनों पाँव से हाथ धो बैठा, और हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट इस हवाले से। एक रिपोर्ट के मुताबिक खतरनाक जगहों पर खतरनाक सेल्फी लेने के शौक में चार साल में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 150 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 80 के करीब हलाकतें भारत में हुई। ड्राइविंग के दौरान सेल्फी लेते हुए भी कई हजार अफराद जख्मी हो चुके हैं। सेल्फी का लुगवी मतलब तो ये है कि कैमरे से खुद अपनी तस्वीर खींचना, तहम इस इस्तिलाह का अमूमी मतलब ये है कि मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे से खुद अपनी तस्वीर खींचना। इंसान में मशहूर, मकबूल और हर दिल अजीज बनने का फितरी जज्बा मौजूद होता है। हर शख्स चाहता है कि लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करें। इन्हीं जज्बात के तहत इंटरनेट सार्फीन अपनी बेहतरीन से बेहतरीन इंफरादी या इज्तिमाई तस्वीर खींचकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत समाजी राब्तों की मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर अपलोड करते हैं और लोगों से लाइक्स और शेयर्स की शक्ल में खूब वाह वाह वसूल करते हैं। नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि लोग मुकद्दस मकामात पर भी इबादात में दिल लगाने और तवज्जो मरकूज करने की बजाय सेल्फी खींचने में मसरूफ रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और शेयर्स के हुसूल के लिए खतरनाक मुकामात पर भी सेल्फी लेने का रुझान बढ़ रहा है, जो जानलेवा साबित होता है। माहिर नफ्सियात के मुताबिक लाइक्स और शेयर दरअसल जातियाना को तस्कीन पहुंचाते हैं। अब तो यूं महसूस होता है कि कुछ अरसे बाद अदवियासाज कंपनियां सेल्फी के नशे और मोबाइल फोन की लत से छुटकारे की भी दवा बनाने लगेंगी। मोबाइल सार्फीन से दरख्वास्त है कि ऐसे लाइक्स का क्या फायदा, जब आप उनसे तस्कीन हासिल करने के लिए दुनिया में ही मौजूद ना रहें। ये रिपोर्ट आपने देखी है, किस तरह से लोग दीवाने हैं, खतरनाक जगहों पर भी सेल्फी लेते हैं। जनाब, सेल्फी के इसी भूत को किस तरह से उतारा जा सकता है और वालिदैन को अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए, इसी सब पर कराची के शहरी क्या राय रखते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हॉलीवुड में और लॉलीवुड में जो एक्टर्स हैं वो भी बहुत सेल्फी बनाते हैं, और क्रेज़ आ गया आज के यंग जनरेशन के अंदर, टीनेजर के अंदर बहुत क्रेज़ आ चुका है। तो आपको पता है इसकी वजह से हादसात भी हो रहे हैं, लोग सेल्फी के बजाय मर भी रहे हैं और गलत गलत जगहों पे सेल्फियाँ खींच रहे हैं उसकी वजह से। तो ट्रेंड है उस वजह से भी, और लाइक और कमेंट के लिए ज़्यादा ज़्यादा अप्रोच करते हैं कि हम सेल्फीज अच्छी जगह लें या वैसे ज़्यादा अच्छा, यानी कुछ न्यू करें, उस वजह से लोग हादसात का भी शिकार हो जाते हैं। ज़्यादातर तो मैम यही देखा, पेरेंट्स भी सेल्फियाँ ही बना रहे होते हैं, वो खुद सेल्फी बना रहे होते हैं, कौन रोक गया, क्योंकि माहौल ही बन गया बिल्कुल सेल्फी का। अभी तो सबसे पहले तो हमारे सेलिब्रिटीज़ को ही सेल्फी बनानी रोकनी होगी ना, क्योंकि उन्हीं को फॉलो करते हैं हम सारे, और वो सेल्फी बना रहे हैं तो हम लोगों को तो शौक उठेगा फिर सेल्फी बनाने का। हादसात होते हैं वो बिल्कुल गलत होते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, और ये कि यंग जनरेशन है उनको सोचना चाहिए इस बारे में, अपनी सारी कॉन्सेंट्रेशन दूसरे कामों पर से छोड़ के वो सेल्फी में लगे रहते हैं। सोशल गैदरिंग्स में भी यही होता है कि वो आधे से ज़्यादा टाइम वो सेल्फी में लगे रहते हैं, और जहाँ गेट टुगेदर के लिए आए हैं उनसे अपने रिलेटिव से बात कम करते हैं। सो खतरनाक जगहों का खड़ा होना तो बेवकूफ़ी है, लेकिन जो मुंह टेढ़े बनाते हैं ऐसे लगता है उनका पॉलिश हो गई हो। कोई इसका एडवांटेज तो है नहीं, टाइम वेस्ट करना है सिर्फ, और अजीब अजीब फेसेस बना के लेना बिल्कुल गलत है ये, और फेसबुक पे दे देना और कर देना ये अच्छा अच्छा नहीं है। ट्रेंड हो गया है, ये पार्ट बना दिया है इसको, लेकिन ये अच्छा ही नहीं है। बिल्कुल लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, लड़के एंजॉय करते हैं, जाते हैं हम घूमने फिरने जाते हैं तो लड़के सेल्फी ज़रूर लेते हैं, लेकिन मुझे शौक नहीं है, मैंने कभी ली नहीं। मैं तो समझता हूँ लेटेस्ट एडवेंचर जो चले जी, आपने बातें सुनी लोगों की कि किस तरीके से वो सेल्फी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सेल्फी के हवाले से आए दिन हम देखते हैं कि इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन क्या सेल्फी लेना वाकई में कोई मेंटल डिसऑर्डर है, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा मैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे बात कर रहे थे कुछ सेल्फी के हवाले से, तो बुनियादी तौर पर मोबाइल फ़ोन रबते का एक जरिया है, लेकिन सेल्फी का रुझान इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और इसका नशा इस हद तक बढ़ गया है कि इसका मतलब ही और इसका मकसद ही बदल चुका है। अब लोग मोबाइल फ़ोन ही देख कर ख़रीदते हैं कि जी इसका कैमरा कितना अच्छा है, इसके कितने मेगा पिक्सल्स हैं और रिजल्ट कितना अच्छा होगा। इसलिए मोबाइल फ़ोन बनाने वाली जो कंपनियाँ हैं उन्होंने भी अब अच्छे से अच्छे फ़ोन कैमरेज बनाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि अब जो कमर्शल्स बनाई जाती है उसमें भी हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन में आपका सिर्फ कैमरा मेन फोकस होता है।
बिल्कुल कैमरा ही मेन फोकस होता है और जब भी आप कोई नया सेल फोन खरीदते हैं तो आप ये पूछते हैं इसका कैमरा कैसा है। अच्छा, अगर ओवरऑल बात की जाए इस सूरत हाल पे, तो अभी हमें ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात ने, डॉक्टर साहब हैं और वो हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और उनसे भी तमाम तर बातें जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज सेल्फी के हवाले से आपसे सवाल करना है कि बींग माहिर नफ्सियात, आप सेल्फी का लाइक करना, शेयर करना दरअसल ज़ाती अना को तस्कीन पहुँचाना है, ऐसा लोग कहते हैं। लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर और दीगर वेबसाइट्स पर भी अपनी सेल्फी अपलोड करते हैं, आप क्या समझते हैं, क्या इस वजह से सेल्फी का रुझान बढ़ रहा है या फिर वजह कोई और है? जी, 100% सेल्फी का रुझान बढ़ रहा है क्योंकि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से एक ये ज़रूरत और ख्वाहिश भी होती है कि उसको तवज्जो दी जाए, उसको तवज्जो हासिल जो है वो हो, वो अटेंशन सीक करता है। और इस नीड को, इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अब सेल्फी एक ऐसी चीज़ है जिसको इंसान अपनी तस्वीरें खींच के और लोगों तक पहुँचा सकता है ताकि इससे अपनी तवज्जो हासिल कर सके। अच्छा इमरान जोफिशा, ये जानना चाहेंगे हम आपसे कि आजकल हम देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर ही जो तमाम नौजवान नस्ल है वो इस वक्त सेल्फी के भूत का शिकार हो चुकी हुई है, और सेल्फी लेने के हवाले से हम देखते हैं कि आए रोज़ हलाकतें भी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी कोई ब्रिज पर चढ़ के लेता है, कभी कोई ट्रेन के पास आकर लेता है, तो ये सब कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कौन करेगा ये सब कुछ, या इंसान को खुद ही से इस चीज़ में बेदार होने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहले तो ये अब जहरी बीमारी करार दी जा चुकी है, इसलिए कि जब भी आप अपनी 10, 11, 12 तस्वीरें लेते हैं और उसमें से 8, 9 तस्वीरें डिलीट करते हैं, बिल्कुल सही, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को रिजेक्ट करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, लकद खलकना अल इंसान फी अहसन तक़वीम, मैंने तुमको बेहतरीन पैमाने में पैदा किया, और फिर दोबारा कहा अहसना, फिर दोबारा जो है वो कहा सबरकुम अहसना सुअरकुम, और हमने हसीन बनाया और तुमको बहुत हसीन बनाया। सही, तो जब हम अपने आप से मुतमईन नहीं होते, हम आईने में अपने आप को देखते हैं और मुतमईन नहीं होते, तो इसको हम कहते हैं कि पुअर सेल्फ इमेज है। और जब हम ये सोचते हैं कि लोगों की राय हमारे बारे में अच्छी नहीं है, हम ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे, हमारे बाल अच्छे नहीं लग रहे, हमारा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, हमारे लिबास अच्छा नहीं लग रहा, हमारा फिगर अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है कि लोग जब हमें देखेंगे तो हमें रिजेक्ट कर देंगे, जबकि लोगों ने नहीं देखा, आपने खुद अपनी तस्वीरें खींची और आपने रिजेक्ट किया है। तो जितनी बार आप अपने आप को खुद की नज़रों से रिजेक्ट करेंगे और जितनी बार आप लोगों की नज़रों से रिजेक्ट करेंगे, इंसान यासियत पसंदाई डिप्रेशन की तरफ जाता चला जाएगा, इसीलिए इसको अब जहनी बीमारी का नाम दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुकाबले की दौड़ है जिसमें अपने आप को इस तरह पेश करना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ, और फिर तवज्जो हासिल करने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए, जब हम वो आर्टिफिशियल फेक अपना इमेज जो है वो पेश करते हैं, जब सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डॉक्टर खुद ही कह रहे हैं कि एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, तो आपको क्या लगता है कि जो मेडिसिन कंपनीज हैं वो इस सेल्फी के मर्ज से छुटकारा पाने के लिए कोई दवा वगैरह भी इजाद करेंगे? देखें, ये उस लेवल के ऊपर तो अभी नहीं पहुंचा है जहाँ पे इंसान दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ, ये जरूर होता है कि वो जो थ्रिल करने के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब खासतौर से ये नौजवान नस्ल में ये ज़्यादा होता है कि उनको खुदकुशी और तफरी का फ़र्क नहीं पता होता। Exactly. वो प्लेजर को इतना आगे तक ले जाते हैं कि उसके बाद उनके साथ इस तरह के हादसा हो जाते हैं, और ये हादसा अब सिर्फ सेल्फी में नहीं है, आप देखते हैं कि मोटरसाइकिल के ऊपर जब ये वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं, ये क्या चीज़ होती है, उनके साथ ये तफरी है लेकिन इसका अंजाम क्या होता है, समंदर के ऊपर जाना, पानी के अंदर चले जाना, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना, जेट स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, तफरी और खुदकुशी के अंदर फर्क होना चाहिए। जब वो तफरी इस हद तक पहुंच जाए कि हमारी जान जा सकती है या दूसरे को नुकसान पहुंच सकता है, तो ये खुदकुशी की तरफ जो है वो जा रहा होता है, जिसका पहला सद्देबाब हमें खुद ही डेफिनेटली करना पड़ेगा। दवाई से क्या समझते हैं आप, कैसे हम लोग जो कर रहे हैं या जो आप बता रहे हैं, जो तजवीज़ आप दे रहे हैं, वो तो सब अपनी जगह, लेकिन वालदैन का इस सब में क्या किरदार होना चाहिए, वालदैन अपने बच्चों को किस तरह से इन सब चीज़ों से रोक सकते हैं, ये खतरनाक से जो स्टंट करने की कोशिश की जाती है और फिर उस पर भी पिक्चर बनानी है? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि ये बुनियादी ज़रूरत है कि बच्चे तवज्जो चाहते हैं, बच्चे तारीफ़ चाहते हैं, बच्चे मशहूर होना चाहते हैं, तो ये वालदैन का काम है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, बच्चों की तारीफ़ करें, बच्चों की हौसला अफजाई करें। ये वो ज़रूरियात जो वो एक आर्टिफिशियल तरीके से पैदा कर रहे हैं, अगर हम ये लोग उनकी करना शुरू कर देंगे तो ज़रूरत पूरी, वो भी कोई कम डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो भी कोई कम फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो भी जिस पर खाना खा रहे होते हैं तो फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी जब खाना खा रहे होते हैं तो गैजेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप जो चीज़ खुद कर रहे होते हैं उससे बच्चों को कैसे रोक सकते हैं? हमें सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहिए, ऑफ टाइम लेना चाहिए, ये मोबाइल ऑफ टाइम है, घर में 2 घंटे आपके फोन बंद होने चाहिए, सबके बंद होने चाहिए, तो वालिद के भी हों, वालदा के भी हों, बच्चों के भी हों,
ताकि आप एक दूसरे से जो है बात कर चुके, एक दूसरे के अपने ठीक है। बहुत सही बात की है डॉक्टर साहब ने कि मोबाइल ऑफ टाइम होना चाहिए, कि घर में अगर आप मौजूद हैं तो 2 घंटे आप मोबाइल को ऑफ टाइम दें। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगु की। और सेल्फी के हवाले से अगर बात की जाए तो अनम, सेल्फी जो है तो मेरे ख्याल में ये सब इट्स ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी एंड टू सी करना बड़ा जरूरी बन जाता है जब आप पिक्चर्स लेते हैं। और स्पेशली आजकल तो DSLR का जो इतना ट्रेंड है, कहीं पर भी जाए, छोटे छोटे फंक्शन पे भी जाए तो आप वेलकम बैक। देखा कि कल डिप्टी मेयर अरशद वोरा ने जो है पाक से जमीन पार्टी ज्वाइन कर ली है, उसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जमान पाक से जमीन पार्टी इफ्तिखार आलम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज बहुत शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, देख रहे हैं फारूक सत्तार की जानिब से पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि हमारी वफादारियाँ तब्दील है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं उनकी जानिब से, क्या कहेंगे? ये इल्ज़ाम तो फारूक सत्तार साहब की तरफ से पहले दिन से ही जो है वो लगता रहा, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि बहैसियत कायद और लीडर के उनकी अपनी पार्टी ने कभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। बहैसियत पार्टी लीडर के कभी ना आपने उनके पार्टी के नारे कभी सुने होंगे, ना स्लोगन्स कभी सुने होंगे, तो उनको बहैसियत कायद तो कभी किसी ने तस्लीम ही नहीं किया। और जैसे कि कल अरशद वोरा साहब ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया था, उन्होंने कि वहाँ पे लोग बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, वहाँ पे कोई क्लियर विजन नहीं है जी। और ये तो जो जिस मैंडेट पे ये कब्जा करके बैठे हुसैन साहब का था, फारूक सत्तार साहब को बहुत अच्छी तरीके से ये बात वो जानते हैं। ये चंद MNA MPA के ऊपर ये पार्टी बना के चलाने की जो कोशिश थी वो बिल्कुल अब नाकाम हो चुकी है, एक्सपोज हो गई है सबके सामने है के लोग अब इनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल करीब के अंदर आप देखेंगे के मजीद MNA MPAs और अच्छा इफ्तिखार साहब, ठीक है आपका जो मौकफ है वो अपनी जगह है, लेकिन अगर MQM पाकिस्तान के मौकफ की बात की जाए और फारूक सत्तार के हालिया बयान की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि अरशद वोरा साहब पे जो है मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ केसेस हैं जिसकी वजह से वो पाक जमीन पार्टी में चले गए हैं, और आपके यहाँ जो आता है तो फिर वो ड्राई क्लीनिंग वाला एलिमेंट होता है, मुत्तफिक हैं आप इस बात से? देखिए इस बात का बहुत वजाहत से अरशद वोरा साहब ने खुद जवाब दिया था कि वो एक पाकिस्तान ना वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जो केस उनके ऊपर है वो उनके जात के साथ मंसूब है, तो वो उसका जवाब देने के लिए अदालतों का सामना भी करेंगे और के हम अदालतों को एहतराम भी करते हैं, तो जो भी फैसला होगा वो अदालत से होगा, चाहे वो पाकिस्तान जमीन पार्टी के अंदर रहे या मुत्तहिदा फौजी मूवमेंट के अंदर रहे, तो वो कहीं गए तो नहीं है, मुल्क के अंदर ही मौजूद है और वो तमाम अदालतों के अंदर तमाम चीजों को। अच्छा ये बताएगा इफ्तिखार साहब कि अभी ओवरऑल हम देख रहे हैं कि जो जो आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है वो शख्स क्यों किसी ना किसी तरह से मुकदमात में घिरा हुआ है, तो जिन लोगों पर मुकदमात है वही लोग आपकी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए हमारे पास तो दीगर सियासी जमातों से भी जो है लोगों ने ज्वाइन किया, PTI से हफीजुद्दीन साहब ने, इसी तरह APML से आसिया इसाफ साहिबा ने, और दीगर शख्सियत बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स ने भी जो है हमें ज्वाइन किया है। और मुकदमात का जहाँ तक ताल्लुक है तो देखिए मुकदमात का तो हम खुद भी जाके जो है वो सामना कर रहे होते हैं, हम वहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा इफ्तिखार आलम साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपकी जो पार्टी का स्टांस है वो बिल्कुल अलग है। अगर बात की जाए PSP की तो आपकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बड़े बड़े नाम जो है वो अगले हफ्ते शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें मेनली अगर हम बात करें फैसल सब्जबारी, खुशबख्श शुजाग और अली रजा की, तो फिर क्या कहेंगे आप, इन लोगों का भी कोई आने का चांस है पाक जमीन पार्टी में? देखिए हमने ये जरूर कहा है कि मजीद लोग जो हैं वो पाक से जमीन पार्टी के अंदर जो है वो शामिल होंगे, लेकिन किसी नामों के हवाले से किसी का नाम नहीं लिया गया है इसमें, ना सिर्फ यही नहीं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बल्कि दीगर सियासी जमातों के भी लोग जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर आएंगे। अच्छा, और इस बात की भी मैं एक चीज़ की वजाहत जरूर करूँ कि देखें सिर्फ सियासी जमातें ही नहीं, बिलखसूस यहाँ पे जो न्यूट्रल जो आम आवाम है उसकी भी हमारे पास शिरकत हो रही है, और हमने मुख्तलिफ मौकों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसका भी पावर शो किया, दिखाया कि ये लोग जो है हमारे साथ हमारी पार्टी के अंदर शामिल हैं। अच्छा इफ्तिखार साहब, नाम तो आपको पता होंगे ही कि कौन कौन लोग ज्वाइन करने वाले हैं, किन किन ने हामी भर लिया अब तक, कोई आइडिया? इस हवाले से तो रास्ते में देखिए हम डिप्टी मेयर आ गए तो अब तो सब थे, तो अब कुछ नाम और आप बता दें। नहीं इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे
बकौल हमारे पार्टी सदर की पार्टी तो अभी शुरू हुई है और देखिएगा चले आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल पता चल जाएगा कि कौन कौन ज्वाइन कर रहा है। अगले हफ्तों में मेरा ख्याल है बहुत सी डेवलपमेंट्स हो जाएगी, लेकिन आबाद भी आ रहे हैं इफ्तिखार साहब। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम हम लोग नहीं लेना चाहते, लेकिन जिन लोगों के नाम लेते हैं सभी लोग जो है वो रब्ता करते हैं और इंशाल्लाह ताला हम करीब देखेंगे सब लोग के पाक्ते जमीन पार्टी को अच्छे बड़े नाम जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, पाक्ते जमीन पार्टी को अच्छे बड़े नाम ज्वाइन करने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि 2018 के इलेक्शंस आ रहे हैं और इससे पहले हमने देखा कि यही कहा गया जी जुबली 2018 से पहले आपकी। देखिए ये 2.5 करोड़ की आबादी का शहर है, अगर हम खाली करें तो हम कराची शहर की बात करें तो यहाँ पे एमक्यूएम के जो वोट्स हैं अगर वो तो अब रहे ही नहीं, अल्ताफ हुसैन के साथ ये बात है उनके साथ मौजूद नहीं है और बहुत बड़ा तबका जो है वो पाक्ते जमीन पार्टी के अंदर भी मौजूद है, उनके वर्कर्स भी मौजूद हैं, न्यूट्रल लोग बिलखसूस के एमक्यूएम जो लिसानियत की बुनियाद पर सियासत करती थी पाक्ते जमीन पार्टी ने उस लिसानियत की सियासत को ख़त्म किया है, तमाम कराची में होने वाली ईसाइयों को जोड़ा है, चाहे वो सिंधी हो पंजाबी हो माजर तराई की तमाम लोग हैं और वो इस विजन से मुत्तफिक हैं। ठीक है, तमाम लोग हैं हमारे साथ इफ्तिखार आलम साहब तर्जमान पाक्ते जमीन पार्टी जो है वो गुफ्तगू है। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला कि क्या अगला स्टांस होगा पाक्ते जमीन पार्टी का और साथ साथ बस अपने नाम नहीं बताए कि और कौन कौन शमूलियत अख्तियार कर रहा है अगले हफ्ते तक। चलें जनाब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं कराची सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से। कराची में मुनक्किद होने वाला सिंध लिटरेचर फेस्टिवल इतवार को इख्तिताम पज़ीर हो गया। इस सालाना इवेंट को सिंधी अदब का जश्न भी कहा जाए तो गलत ना होगा क्योंकि इसमें सिंधी सकाफत और अदब का शौक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के मुंतजमीन के मुताबिक इस सरगर्मी का मकसद मुल्क और बैरून मुल्क मुतालिया तख्लीकी अदब और तनकीदी फिक्र को फ़रोग देना है। इंडियन कल्चर से ममासलत है 99%, तो इसी वजह से ये एक है सिंध के कल्चर की कि सिंध के कल्चर जैसा कोई कल्चर नहीं है, अपनी रवायात हैं, एक कल्चर है, एक तहजीब है, अखलाक है, तमदन है, माशाल्लाह सदियों पुराना जिसका मुअंजो दलो आपके सामने है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा कौमें जो है ना अपने कल्चर को अपनी तारीख को इसी तरह डेज के हवाले से मनाते रहते हैं, जिंदा और जावेदान रखते हैं। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज जुमे के रोज कराची के एक होटल में हुआ जहां मुल्क भर के दानिश्वर शोरा और सिंध भर की जामियात के सैकड़ों तालिबे इल्म भी शरीक हुए। आज ये मैंने पहला दिन देखा है सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का और बड़ी खुशी हुई, इधर लोगों ने भरपूर तौर पर शरीक हुए और एक खुला माहौल मिला, यहाँ लोगों ख्यालात का इजहार किया, यहाँ अदब के ऊपर बातें हुई, शायरी के ऊपर जो नई किताबें लिखी जा रही हैं वो सियासी मौजूआत आए, वो जो पाकिस्तान और तहरीके पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, तो इन सब बातों को देखकर एक खुले माहौल को देखकर मेरा दिल तो खुश हो गया कि चलिए अब ये बातें पाकिस्तान में हो रही हैं और खुसूसन सिंध में हो रही हैं और इसका बहुत बड़ा हिस्सा तो सिंधी जबान में था, ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है। इन 3 रोज में मजमूई तौर पर 36 सेशंस का इनेकाद किया गया जिनमें अदब के समाज सियासी असरात पर तवज्जो मरकूज रखी गई। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल में कुतुब और दीगर सकाफती मसनूआत के मुतअद्दिद स्टॉल्स भी लगाए गए। चलें जनाब मेरा ख्याल है कि आज के पूरे दिन की खबरों का ओवरडोज हमने आपको दे दिया, इसी के साथ ही प्रोग्राम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए दोस्तों के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।